गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है ICBM रूल। इससे पहले वाले टॉपिक में हमने ICBM के प्रिंसिपल्स के बारे में देखा था और आज हम रूल्स के बारे में देखेंगे। तो ICBM रूल्स प्लांट नोमेनक्लेचर के बारे में जानकारी देते हैं। जब प्लांट्स का नोमेनक्लेचर किया जाता है तो उस टाइम पर यह जानकारी हमें ICBM रूल्स से ही मिलती है कि कैसे उसका नोमेनक्लेचर किया जाए। सम इम्पॉर्टेंट रूल्स आर फॉलोइंग। कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स फॉलोइंग हैं, जैसे रूल्स ऑफ रैंक ऑफ टैक्सा, रूल्स ऑफ टिपिफिकेशन, नेम ऑफ द फैमिलीज, द प्रिंसिपल ऑफ प्रायोरिटीज, नेम ऑफ द जेनेरा, नेम ऑफ स्पीसीज, नेम ऑफ प्लांट इन कल्टिवेशन एंड द लास्ट कंडीशन ऑफ वैलिड एंड इफेक्टिव पब्लिकेशन। तो ये सारे रूल्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहला है रूल्स ऑफ द रैंक्स ऑफ टैक्सा कि वर्गकों की कोटि का नियम। इसे हिंदी में हम कहते हैं वर्गकों की कोटि का नियम, रूल ऑफ द रैंक ऑफ द टैक्सा। कोई भी टैक्सा जैसे फैमिली नेम हो गया या जीनस नेम हो गया या स्पीसीज नेम हो गया, अब उसका नेम किस तरह से रखा जाएगा, तो इसके लिए तो जो उसकी रैंक होगी वो किस तरह से होती है, तो इसके लिए यह रूल बनाया गया, रूल ऑफ द रैंक ऑफ टैक्सा। ICBM के अनुसार किसी भी रैंक का वर्गीकरण टैक्सॉन कहलाता है। तो कोई भी रैंक जैसे फैमिली हो गई, जीनस हो गया, स्पीसीज हो गई, ऑर्डर हो गया, ये क्लासिफिकेशन में रैंक कहलाती है और इसको हम टैक्सॉन कहते हैं। दो श्रेणियों में डिवाइड किया गया है टैक्सॉन को। फर्स्ट है मेजर टैक्सा, प्रमुख वर्गक, एंड सेकेंड है माइनर टैक्सा। मेजर एंड माइनर टैक्सा, दो टैक्सा कैटेगरीज यहाँ पर बनाई गई है। फर्स्ट मेजर टैक्सा, मेजर टैक्सा में हम रखते हैं किंगडम टू सब ट्राइब, यहाँ तक का जो रैंक है वो मेजर टैक्सा में आता है। दूसरा है माइनर टैक्सा, माइनर टैक्सा में आता है जीनस टू क्लोन, जीनस से लेकर क्लोन तक का। जो किंगडम से सब ट्राइब तक के हैं वो तो मेजर टैक्सा में आते हैं, और जीनस से क्लोन तक का जो नीचे वाला जो रैंक्स होंगे जितने भी, वो माइनर टैक्सा में आते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो क्लासिफिकेशन हमको लिखते हैं तो इटैलिक्स में ये लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर मेजर टैक्सा देखते हैं, किंगडम जिसे हिंदी में जगत कहते हैं, डिवीज़न, सब डिवीज़न, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली, सब फैमिली, ट्राइब एंड सब ट्राइब, तो ये सारे यहाँ पर मेजर टैक्सा होते हैं। माइनर टैक्सा, माइनर टैक्सा में आते हैं जीनस, सब जीनस, स्पीसीज, सब स्पीसीज, वैरायटी, सब वैरायटी, फॉर्म, क्लोन, तो इस तरह से जीनस से नीचे वाली जितनी भी रैंक होगी वो सारी माइनर टैक्सा, और ऊपर वाले किंगडम से लेकर के ट्राइब तक ये सारे मेजर टैक्सा में आते हैं। अब यहाँ पर यह दिखाया गया है कि रैंक ऑफ टैक्सा, जब टैक्सा के बारे में हम लिखेंगे तो उसमें सफिक्स भी यूज में लिया जाता है। सफिक्स का मतलब होता है अनुलग्नक, अनुलग्नक। तो डिवीजन के पीछे हम लगाते हैं फाइटा, सब डिवीजन के पीछे सफिक्स लगता है फाइटिना, क्लास पर ऑप्सीडा, सब क्लास के लिए ईडी, ऑर्डर के लिए एल्स, सब ऑर्डर के लिए ईनी, फैमिली के लिए एसी, ट्राइब के लिए ई और सब ट्राइब के लिए एनी, तो इस तरह से ये जो सफिक्स हैं जो टैक्सा के पीछे लगाए जाते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे क्लास मैग्नोलियोप्सीडा। अब मैग्नोलियोप्सीडा के पीछे जो ये ऑप्सीडा है ये इसका सफिक्स है। इसी तरह से सब क्लास में ईडी, ऑर्डर में जिस रैनकुलेंस है तो एल्स सफिक्स लगा हुआ है, इसी तरह से फैमिली में रैनकुलेसी है तो ये एसी इसका सफिक्स हो गया। अब यहाँ पर नॉर्मली तो जब क्लासिफिकेशन में हम रैंक टैक्सा के बारे में लिखेंगे तो इस तरह से ये सफिक्स लग जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कुछ टैक्सा के नाम लंबे टाइम से प्रचलित होने के कारण उनको ऐसे कैसे ही रखा जाता है। तो यहाँ एक्सेप्शन देखते हैं, जैसे ऑर्डर लिली फ्लोरी, ग्लूमी फ्लोरी, ये कुछ ऐसे ऑर्डर हैं जिनमें जैसे ऑर्डर में हम देखते हैं तो सफिक्स एल्स आता है, लेकिन यहाँ पर फ्लोरी और ग्लूमी फ्लोरी इस तरह से है,
तो यहाँ पर ये लंबे समय से प्रचलित होने का कारण इतने फेमस है या इतने प्रचलित है कि इनका नाम चेंज नहीं किया गया है। इनको इटैलिक्स में लिखा जाता है, टेक्सा को हाथ से लिखने पर इनको अंडरलाइन किया जाता है, इटैलिक्स में लिखते हैं अंडरलाइन लिखते हैं। जीनस नेम, स्पीसीज नेम ये लैटिन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। अब सेकंड देखते हैं टिपिफिकेशन। टिपिफिकेशन को हिंदी में कहते हैं प्ररूपीकरण। सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है टाइप स्पेसिमैन या प्ररूप प्रतिरूप, टाइप स्पेसिमैन। टैक्सॉन के जीनस, फैमिली और नोमेनक्लेचर जो हर्बेरियम में किसी प्लांट के लिए यूज किए जाते हैं टाइप स्पेसिमैन कहलाते हैं। कि कोई हर्बेरियम है, हर्बेरियम में कोई प्लांट स्पेसिमैन हमने रखा है तो ये स्पेसिमैन टाइप स्पेसिमैन की तरह यूज में लिया जाएगा, जिसे उस बारे में उसकी फैमिली और नोमेनक्लेचर भी बताई जाएगी, तो इसको हम यहाँ पे टाइप स्पेसिमैन कहते हैं। लेखक द्वारा सबसे पहले इसे यूज किया जाता है। लेखक है जो ऑथर है जो उस प्लांट का डिस्क्रिप्शन दे रहा है और उसका नोमेनक्लेचर दे रहा है, तो ये टाइप स्पेसिमैन के बारे में जो भी बताएगा तो सबसे पहले ये ऑथर बताता है कि यह टाइप स्पेसिमैन है। कुछ प्लांट मटेरियल ड्राई कंडीशन में प्रिजर्व करके रखे जा सकते हैं। जब हर्बेरियम में हम देखते हैं तो कुछ प्लांट तो ड्राई करके रखे जाते हैं कि उनको ड्राई किया, उनमें से मॉइस्चर हटाई और उसके बाद उसे प्रिजर्व किया जाता है। लेकिन कुछ प्लांट मटेरियल जैसे फ्रूट्स, एक्वेटिक प्लांट्स प्रिजर्व करके नहीं रखे जा सकते हैं, इसलिए इनको डायग्राम या फोटोग्राफ की फॉर्म में हर्बेरियम में रखा जाता है। और कुछ प्लांट मटेरियल तो जैसे पत्तियां हो गई, लीफ होती हैं, प्लांट की ट्विग हो गई, तो उसको क्या कहते हैं ड्राई करके हर्बेरियम में सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन कुछ प्लांट मटेरियल जैसे फ्रूट्स हो गए, फ्रूट्स को प्रिजर्व करके नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो खराब हो जाता है। इसी तरह से एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, इनको प्रिजर्व करके नहीं रख सकते, तो इनकी जगह पर इनमें डायग्राम या फोटोग्राफ इस तरह से हर्बेरियम में इनको रखा जाता है। तो ये टाइप स्पेसिमैन होगा। पुराने में बड़े जैनेरा से संबंधित वर्गीकरण कार्य में कभी कभी जैनेरा को दो या दो से ज्यादा जीनस में डिवाइड किया जाता है और हमेशा क्वेश्चन यह रहता है कि कौन सा जैनेरा नेम मूल नेम होगा। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि जब पुराने और बड़े जैनेरा से संबंधित वर्गीकरण कार्य में कभी कभी जैनेरा को दो भागों में डिवाइड कर दिया जाएगा। जब अगर प्लांट का जो जीनस है उसमें इतनी सारी स्पीसीज आ रही है कि अपन ये नहीं कह सकते कि कौन सा इसमें से टाइप माना जाएगा, टाइप स्पेसिमेन या मूल नाम क्या होगा, तो वहाँ पे अब दो मेथड यूज में लिए जाते हैं। एक तो है टाइप मेथड, इसमें जीनस और टाइप स्पीसीज को चूज करने के लिए उपयोग की जाती है। तो ये जो मेथड है टाइप मेथड हो गया, जो इसमें जो जीनस हो गया और जो टाइप स्पीसीज होती है उसको चूज या अभिग्रहित करने के लिए इसे यूज में लेते हैं। दूसरा है रेजिड्यू मेथड, इसमें पृथक हुए वंशों को अलग नाम दे दिया जाता है, फिर मूल वंश के बाकी बचे हुए वर्गकों के लिए वंशीय नाम प्रयुक्त किया जाता है। जो जीनस से थोड़े से अलग हैं उनको तो दूसरा नाम दे दिया, और जो जीनस जैसे ही हैं उनको एक ही नाम जीनस नेम से उन्हें कहा जाता है, तो ये रेजिड्यू मेथड हो गया। स्टॉकहोम कांग्रेस 1950 में विचार किया गया कि किसी भी जीनस या स्पीसीज के टाइप को सुनिश्चित करने के लिए प्ररूप नामकरण के लिए निम्नलिखित प्ररूप श्रेणियां बनाई गई। तो इन्होंने इस जो स्टॉकहोम कांग्रेस हुई थी उसमें ये बताया कि जैसे अब नामकरण करना है किसी भी स्पेसीमैन का, टाइप स्पेसीमैन का नोमेनक्लेचर किया जाना है, तो उसके लिए श्रेणियां बना दी गई, जैसे होलोटाइप, लैक्टोटाइप, आइसोटाइप, पैराटाइप, सिन टाइप, आइसो सिन टाइप। अब आइसो सिन टाइप के दो टाइप थे, को टाइप और नियो टाइप। इसी तरह से आइसो नियो टाइप टाइप और टोपो टाइप। तो आगे हम इन्हीं के बारे में डिटेल में देखेंगे कि क्या होते हैं। सबसे पहला है होलोटाइप। होलोटाइप को हिंदी में हम कहते हैं नाम प्ररूप। कोई भी प्लांट स्पेसिमैन या डायग्राम जो ऑथर द्वारा हर्बेरियम में यूज किया जाता है उसे होलोटाइप कहते हैं। तो कोई भी प्लांट स्पेसिमैन हो सकता है, प्लांट का कोई पार्ट हो सकता है या प्लांट का कोई डायग्राम भी हो सकता है जिसको हर्बेरियम में रखा जाता है और ऑथर उसका डिस्क्रिप्शन देगा, ये होलोटाइप कहलाता
कहलाता है। तो ये कोई भी प्लांट स्पेसीमैन या डायग्राम हो सकता है। दूसरा है लैक्टोटाइप। लैक्टोटाइप क्या कहलाएगा कि अगर ऑथर द्वारा होलोटाइप पब्लिकेशन के समय प्रस्तुत नहीं किया जा सके तो सामग्री जिसे प्लांट टाइप की तरह चूज किया जाता है और नोमेनक्लेचर के रूप में लिया जाता है लैक्टोटाइप या चयन प्रारूप कहलाता है। लैक्टोटाइप क्या हो गया कि हर्बेरियम में होलोटाइप तो हमें होलोटाइप जब पब्लिकेशन किया जा रहा है उस टाइम पे ऑथर होलोटाइप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके अलावा वो उससे ही मिलता जुलता कोई और प्लांट टाइप चूज करता है और उसे प्रेजेंट करता है, उसको नोमेनक्लेचर के लिए काम में लेता है, तो इसको लैक्टोटाइप कहते हैं। तीसरा है आइसोटाइप। आइसोटाइप को सम प्रारूप भी कहा जाता है, होलोटाइप की डुप्लीकेट कॉपी होती है। दूसरा नेक्स्ट है पैराटाइप अपर प्रारूप, वह प्लांट टाइप जो होलोटाइप के अलावा साइटेड होता है। होलोटाइप की कॉपी आइसोटाइप, पैराटाइप होलोटाइप के अलावा जो दूसरा प्लांट भी हम यूज में ले रहे हैं तो उसको पैराटाइप कहते हैं। फिर नेक्स्ट है सिनटाइप। दो प्लांट टाइप अवेलेबल होने पर अगर होलोटाइप चिन्हित ना हो तो ऐसी स्थिति में लेखक द्वारा प्रयुक्त दो प्लांट में से एक को होलोटाइप और दूसरे को सिनटाइप या सह प्रारूप कह दिया जाता है। तो इसमें क्या होगा, हर्बेरियम में दो प्लांट रखे हुए हैं और अभी यह नहीं पता कि कौन सा इसमें से होलोटाइप है और कौन सा सिनटाइप है, तो यह कंडीशन क्लियर नहीं है। तो इसमें क्या होगा, जो ऑथर होगा वो खुद से ही खुद अपने आप ही किसी एक प्लांट को तो होलोटाइप बता देगा और दूसरे को सिनटाइप कह देगा जब दो एक साथ अवेलेबल होते हैं, उस कंडीशन में होलोटाइप और सिनटाइप कहा जाएगा। आइसोसिनटाइप। आइसोसिनटाइप क्या होता है, सिनटाइप की ही डुप्लीकेट कॉपी होती है। कोटाइप सह प्रारूप, मूल रूप या टाइप का उपयोग जिस प्लांट से किया जाता है उसी में से एक अन्य प्लांट टाइप को कोटाइप कहते हैं। जब वो टाइप का उपयोग कर रहे हैं, प्लांट जिस प्लांट को हम टाइप की तरह यूज में ले रहे हैं तो वहाँ पे और भी कोई प्लांट अवेलेबल है तो दूसरा जो प्लांट होगा उसे कोटाइप कहेंगे। नेक्स्ट है न्यूटाइप। नोमेनक्लेचर के लिए जब प्लांट टाइप अवेलेबल ना हो, नोमेनक्लेचर टाइप के लिए प्रयुक्त पादप न्यूटाइप या नव पादप कहलाता है। जो नोमेनक्लेचर किया जा रहा है और हर्बेरियम में वो प्लांट उपस्थित नहीं है तो उस कंडीशन में नोमेनक्लेचर करने के लिए कोई दूसरा पादप हम यूज में लेंगे, इसको न्यूटाइप कहते हैं। आइसोनियोटाइप डुप्लीकेट कॉपी ऑफ न्योटाइप, न्योटाइप की डुप्लीकेट कॉपी होती है। इसी तरह से है टाइप। जब किसी प्लांट टाइप के साथ टाइप वर्ड जोड़ दिया जाता है तो उसे होलोटाइप माना जाता है। इसी तरह से टोपोटाइप मूल स्थान प्रारूप, जब एक ही जगह से होलोटाइप के अलावा अन्य प्रतिरूप भी कलेक्ट किए जाते हैं तो वह स्थान टोपोटाइप कहलाता है। टोपोटाइप क्या हो गया, किसी एक जगह से हमने प्लांट का एक स्पेसीमैन ले लिया, अब उसी जगह से दूसरा स्पेसीमैन भी कलेक्ट किया है तो ये क्या कहलाएगा, टोपोटाइप कहलाएगा। एक ही जगह से दो अलग अलग टाइप ये स्पेसीमैन लिए हैं तो इसको टोपोटाइप कहेंगे। थैंक यू।